मेला में कुछ मिले या ना मिले लेकिन दूल जरूर मिलता है ना, मिठाइयों में भी दूल मिलता है। भैया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्वागत है। तो गाइस आज हम लोग आप लोगों को लेके जा रहे हैं कोरगांव विश्रामपुरी। तो गाइस आज कोरगांव का वार्षिक मेला है। तो गाइस देखते हैं किस तरह से लगा हुआ है, कैसा कुछ भीड़ रहते हैं, सारे देव जाते हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल ने तो चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस अभी मैं आ रहा हूँ केसकाल साइड से और ये सीधा विश्रामपुरी रोड है, पीछे साइड केसकाल है। इस साइड गाड़ी वगैरह सब पार्क किए हुए हैं, तभी कई लोग आ रहे हैं मेला और अंदर में भीड़ भी है आई थिंक, लग रहा है वैसे। तो इस साइड देख सकते हो, इधर भी पार्किंग के लिए जगह बनाई गई है। तो इस साइड से एक बाईपास रोड है, क्योंकि ये रोड ही में लगता है तो बहुत ज़्यादा जाम लगता है। तो ट्रैक वगैरह इस साइड से जाएंगे या तो बड़े गाड़ी इस साइड से जा नहीं पाएंगे। इस साइड अभी भी कई लोग दुकान वगैरह सेट कर रहे हैं और बीच बीच में देख सकते हो महुआ दारू वाले हैं, बस्तर बियर ये सब बिक रहा है। बीच में नीचे पूरा वैसी वाले हैं, चिकन विकन ये सब कटिंग चल रहा है। टेडी बियर कलेक्शन है यहाँ, बड़ा बड़ा टेडी बियर है। इस साइड मिठाई वाले हैं, सामने कोर कलेक्शन है, इधर गन्ना वाले। भाई गर्मी तो आ ही गया है, पी लेंगे कभी कभी नहीं इसी मेले में पियेंगे। इधर सामने कैप बैग कलेक्शन है, कोर कलेक्शन है, इस साइड मोमो सेंटर है, खिलौना कलेक्शन है, ये वाला गली भी है। तो ये वाला गली आप लोगों को बाद में जाके दिखाएंगे, सबसे पहले रोड का ही दिखा लेते हैं। तो इधर बैग कलेक्शन है, लेडीज बैग कलेक्शन है, सनग्लासेस कलेक्शन है, मास्क वगैरह मिल रहा है, टी शर्ट वगैरह। इस साइड खिलौना कलेक्शन ही है, देख सकते हो वहां तक फैंसी स्टोर सामने लगा हुआ है। इस साइड चप्पल वाले हैं, जुगाड़ मस्त बनाए हुए हैं, प्लास्टिक एंड स्टील बर्तन कलेक्शन है आगे। और इस साइड बहुत बड़ा खिलौना कलेक्शन है, रिमोट वगैरह सब गाड़ी मिल रहा है। और एक खिलौना कलेक्शन लगा हुआ है, प्लास्टिक कलेक्शन है, खिलौना कलेक्शन है। इधर मिठाई वाले हैं, भाई ये देखो यहाँ पर तावा वगैरह सब मिल रहा है। इधर और एक गली है, तो बाद में इधर भी जाके दिखाएंगे, पहले हम लोग और आगे लेके चलते हैं। इधर कपड़ा कलेक्शन लगा हुआ है, इधर कवर कलेक्शन लगा हुआ है, सामने भी देख सकते हो घड़ी मात्र 150 रुपए मिल रहा है, साड़ी कलेक्शन है सामने। और इधर देखो भाई लेडीज कलेक्शन भरा हुआ है, पेंसी स्टोर लगा हुआ है, साइड भी खिलौना कलेक्शन है, सामने बर्तन कलेक्शन है, और इस साइड भी है गमछा वगैरह सब मिल रहा है। ये पूरा चूड़ियां कलेक्शन यहाँ पर लगे हुए हैं, जूता चप्पल ये सब मिल रहा है, भर भर के सामान आया हुआ है इस बार, ये खिलौना कलेक्शन है। तो नीचे उतरने का 2-3 रास्ते हैं, तो इधर भी कई गलियां हैं, तो रोड में तो सीधा ही लगा हुआ है, तो बाद में इस साइड लेके जाएंगे। उससे पहले ये वाला गली में आप लोगों को लेके चलते हैं। तो पानटेला में भी भीड़ लगा हुआ है, दोनों साइड पानटेला है। इस साइड उतरने वाली जगह पे देख सकते हो इधर बजे वाले हैं, सामने मिठाई वाले हैं, इधर लगा हुआ है बहुत ही बड़ा मिठान भंडार है भाई यहाँ पर। इधर भी देख सकते हो बजे वगैरह है, सामने खिलौना सामने किराना सामान मिल रहा है, इधर सब्जियां ये सब लगाए हुए हैं सामने, और किराना सामान लगाए हुए हैं। इस साइड देख सकते हो होटल आया हुआ है और मिठाई वगैरह सब पूरा पैकिंग किए हुए हैं। इस साइड आप लोग देख पा रहे होंगे पूरा इस साइड साग सब्जी एरिया है, तो इस साइड पूरा साग सब्जी ही लगाए हुए हैं बहुत ही ज़्यादा। ये भाई देखो खरीदारियाँ चल रही है, वैसे तो चिकन मटन मेरा खाना बंद है लेकिन लोगों का तो नहीं है, रिश्तेदार जो भी सगा लोग आएंगे मेहमान आएंगे सभी को खिलाएंगे, मस्त चिकन वगैरह लिख रहे हैं। ये देख सकते हो सुक्सी भाई, सूखा वाला सुक्सी, और मूली तो देखो इतना बड़ा बड़ा भाई। तो अभी हम लोग आप लोगों को ये वाला गली लेके चलते हैं सीधा, ये मंदिर के पीछे साइड का सीन है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर साग सब्जी एरिया लगा हुआ है। वैसे जानकारी के लिए बता दूँ तो अभी देव देवता अच्छे से नहीं पहुँचे, एक दो ही देव देवता पहुँचे हैं। ये देखो बहुत ही ज़्यादा साग सब्जी भाई, क्या ही बोले, देख सकते हो टमाटर प्याज मिर्चा ये सब भाई मस्त लौकी बराबर लग रहा है ड्रिप से। इधर देखो सोना चांदी वाले, इस साइड हम लोग तो अब आ चुके हैं हम लोग शीतला माता के मंदिर के आगे साइड। तो यहीं पर अभी देवी देवता आने वाले हैं और अभी फूल ये सब लगाए हुए हैं। वैसे तो अभी 2-3 गली बाकी है, तो हम आप लोगों को ये वाला गली लेके चलते हैं, उसके बाद में और दूसरी गली को लेके जाएंगे। तो सामने देख सकते हो टेडी बियर कलेक्शन है छोटे छोटे, और इस साइड ब्लाउज कलेक्शन लगा हुआ है, इधर कपड़ा कलेक्शन है, इस साइड देख सकते हो होटल लगा हुआ है छोटा सा लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ होने वाला है। वैसे इस साइड आप लोग चेकआउट करो, इधर बहुत ज्यादा कपड़ा कलेक्शन है, बीच में ब्लाउज कलेक्शन भी भरा हुआ है, इधर भी कपड़ा कलेक्शन है। तो ये वाला गली में अधिक हमें कपड़ा कलेक्शन देखने को मिल रहा है भाई, ये देखो इधर भी कपड़ा कलेक्शन है, इस साइड भी कपड़ा कलेक्शन है। अंदर में जाके नहीं दिखाएंगे क्योंकि अंदर में हम बाद में आप लोगों को भीड़ दिखाएंगे। यहाँ पर भी एक होटल लगा हुआ है, इधर कपड़ा कलेक्शन है, सामने देख सकते हो परफ्यूम वाले भैया हैं, चूड़ियाँ ये सब पहन रहे हैं। इस साइड भी भाई कपड़ा ही कपड़ा है भाई, इतना ज़्यादा कपड़ा दुकान इस बार आए हुए हैं। तो सामने भी एक गली है, उधर भी बाद में आप लोगों को भीड़। ये वाला गली आप लोगों को लेके चलते हैं, वैसे तो रोड के ऊपर साइड आधा दिखा चुके हैं, तो बाद में हम आप लोगों को फिर उसके आगे दिखाएंगे। इधर से चल उतार देते हैं, थोड़ा सा गड्ढा है लेकिन ये देखो भैया जी लोग इधर लगाए हुए हैं कपड़े की दुकान। इधर देखो 2-3-4 कपड़े की दुकान है, इधर ब्लाउज वाले हैं, सामने खिलौना कलेक्शन लगा हुआ है, इधर और एक कपड़ा कलेक्शन है बाबा। इधर देखो लेडीज कलेक्शन भरा हुआ है, इधर भी लेडीज कलेक्शन है, इस साइड भी चूड़ियां वगैरह सब मिल रहा है, कंगन वगैरह, इधर देखो पायल वगैरह मिल रहा है, सामने भाई स्टील
बर्तन कलेक्शन बहुत ही बड़ा लगा हुआ है। उसके बाद उधर प्लास्टिक कलेक्शन भी है, खिलौना कलेक्शन भरा हुआ है, सामने चप्पल कलेक्शन, उधर और एक गली है उस साइड लेके नहीं जाएंगे, इधर कपड़ा कलेक्शन है, इधर पेंसी वाले भैया है। तो भाई साहब हम लोग लास्ट गली को पहुंच चुके हैं, ये देखो यही वाला फर्स्ट गली था नीचे उतरने का, और एक तो उधर पार्किंग एरिया साइड का है, इधर देखो कपड़ा कलेक्शन है, सामने खिलौना कलेक्शन है, उसके सामने जस्ट फैंसी स्टोर है, लेडीज कलेक्शन है, प्लास्टिक कलेक्शन लगा हुआ, स्टील बर्तन भी है, इस साइड चश्मा सनग्लासेस ये सब मिल रहा है, साइड कपड़ा ही कलेक्शन है, ये देखो ये वाला गली में भी कपड़ा ही कलेक्शन है। तो ये जो जितना भी अभी दिखा रहा हूँ वो ज्यादा तो इस एरिया में ज्यादा कपड़ा ही कलेक्शन भरा हुआ है, आप लोग देख ही सकते हो जैसे कि, फिर खाली इसी साइड देवी देवता आएंगे। तो भाई साहब ये इतना ही है, तो चलो आप लोगों को अब लेके चलते हैं रोड साइड। तो भाई यहीं तक हम लोग दिखाए थे, चलो आगे और दिखाते हैं। इधर खिलौना कलेक्शन है, इधर लेडीज बैग कलेक्शन है, भर भर के लेडीज बैग कलेक्शन आया हुआ, इधर प्लास्टिक कलेक्शन है, स्टील बर्तन कलेक्शन है, इस साइड मिठाई वाले हैं, इधर सामने एक बड़ा सा पेंसी स्टोर लगा हुआ है, इधर कपड़ा वाले हैं, होटल है, साथ में पूल भी निकाले हुए हैं। भाई साहब भीड़ अब बढ़ रहा है धीरे धीरे, खिलौना कलेक्शन है लगा हुआ है, इधर सामने पेंसी स्टोर है, उसके सामने आप लोग देख सकते हो कपड़ा कलेक्शन है, फूल वाले हैं, उसके आगे पेंसी स्टोर है, इधर भी बैग कलेक्शन वॉच कलेक्शन भरा हुआ है, सामने देख सकते हो पेंसी स्टोर है, साथ में लेडीज बैग कलेक्शन लगा हुआ है, इस साइड देख सकते हो चप्पल जूता ये सब मिल रहा है और खरीद भी रहे हैं, इधर लगा हुआ है इस मेले का सबसे बड़ा चप्पल जूता कलेक्शन, प्लास्टिक कलेक्शन है, सामने एक टॉर्च पूजा की सामान ये सब मिल रहा है, इधर सामने मिठाई वाला है। तो इस साइड भी ज्यादा कुछ लगा नहीं है, एक छोटा सा गली है, इधर पार्किंग वगैरह कर सकते हैं, प्लास्टिक कलेक्शन है, उसके आगे खिलौना कलेक्शन है, ये पेंसी स्टोर वाले लगाए हुए हैं गाड़ी में, इधर बैग कलेक्शन है, कैप कलेक्शन लगा हुआ है, चार्ट वाले, इधर खिलौना कलेक्शन लगा हुआ है। भाई लोगों की क्या ही बोले, नमस्कार नमस्कार। खाने में भी से बेस्ट है, प्लास्टिक कलेक्शन है, स्टील बर्तन कलेक्शन लगा हुआ है, उसके आगे आप लोग देखोगे तो मिठाई ही मिठाइयां है, और एक खिलौना कलेक्शन है भाई, इधर देखो बादाम शेक वाले, उसके आगे देखो एग रोल सेंटर है। हमें आप लोगों को एक वीडियो बना के दिया था, तब उतना समय देख रहे थे कि बिल्कुल भी इस साइड बाइक वगैरह नहीं थे, तो अब देखो कितना ज्यादा बाइक वगैरह खड़े किए हैं, ये तो अभी धीरे धीरे और ज्यादा बाइक इधर उधर पार्किंग करने वाले हैं। तो गाइस अब हम लोग एंट्री करने वाले मेला के अंदर साइड, ये देखो धन्नू और ये मैं, दोनों ब्लैक, तो आज का सीन कुछ अलग ही होने वाला है, ब्लैक क्या बोलते हैं, ब्लैक टू ब्लैक, बोलने भी नहीं आता और पहने लिए हैं ब्लैक। तो मेला का सीन दिखाते हैं देव देवता भी, ठीक है।
तो भाई इधर घोड़ो है ना, देवता वाला घोड़ा है, ऐसे नहीं साधारण घोड़ा नहीं है, आपको जानकारी के बता दूं। इसको हैंडल करने के लिए है, ये देख सकते हो। तो गाइस अभी आप लोगों को अभी दिखाने वाले हैं भीड़ कैसा कुछ लगा है यहाँ पर। तो इस साल सर्कस वगैरह नहीं आए, छोटे बच्चों का जंपिंग वाला बस आया है, चलो उसको भी दिखाई देते हैं। इस साइड ये देख सको, छोटे बच्चों का ही बस आया हुआ है, अगर आप लोग छोटे ही बच्चे हो तो इंजॉय कर सकते हो। ये देखो बस यही आया हुआ है सर्कस। मेला में कुछ मिले या ना मिले लेकिन दूल जरूर मिलता है ना, मिठाइयों में भी दूल मिलता है। भाई साहब इधर से उधर चलते हैं, उस समय भी दूध मिलता है, फ्री में मिलता है। हम रोड में पहुंच चुके हैं और रोड में भीड़ लगा हुआ है और सामने इस साइड लास्ट है, जैसे कि आप लोगों को पहले ही दिखाया था मैं। तो अब ले चलते हैं विश्रामपुरी साइड सीधा, जिसका साइड तो आप लोगों को दिखाई दिया कैसा कुछ लगा हुआ था। तो चलो भाई साहब अब भीड़ दिखाते हैं, दुकान वगैरह तो पहले ही दिखा ली है। अब भाई साहब बीच में गाड़ी को घुसा दिए हैं और पूरा भीड़ को इधर उधर कर दिए, भाई ये गलत बात है। गाड़ी चल रही है, पूरा टेडी बियर ही भरा हुआ है ऊपर साइड, और यहाँ पर रिमोट वगैरह सब गाड़ी मिल रहा है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा है। ऊपर मस्त मस्त कलेक्शन यहाँ पर लाए हुए हैं भैया लोग, और यहाँ पर खरीदारी वो इसी चल रही है। हाँ ये देखो भाई भैया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर करना। छोटे बच्चों का क्रेज अलग ही नेक्स्ट लेवल है, मज़ा ही आ जाता है। तो गाइस कोरगांव मेला कुछ इस तरह से लगा था, आप लोगों ने देखा होगा कैसा कुछ लगा है, कैसा कुछ भीड़ था और कितने सारे देवदूत आए थे, सब कुछ तो आप लोगों ने देखा। और सर्कस इस मेला में इस बार नहीं आए। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करना, चैनल में चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कोई ऐसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। बहुत जाए आया इंद्रावती।